एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाना माना नाम पूनम पांडे भारत की एक पहली ऐसी एक्ट्रेस है जो पहली बार मोबाइल ऑनलाइन एडल्ट मूवी लेकर आ रही हैं, जिस वजह से वो फिर से आ गई है लाइमलाइट में। वैसे बता दे कि इस मूवी का नाम है द वीकेंड और फिल्म द वर्ल्ड नेटवर्क्स कंपनी के बैनर तले सुरेश नाकुम द्वारा निर्मित ये फिल्म है। और इस फिल्म का यानी द वीकेंड का ट्रेलर भी शुक्रवार को नई दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित फिलिप एमटीवी लॉन्च में रिलीज किया जा चुका है। हालांकि इस फिल्म का ट्रेलर तो रिलीज होने से पहले ही लीक हो गया था और रातों रात इस ट्रेलर को अच्छी खासी लोकप्रियता भी हासिल हो गई थी। अपनी फिल्म के ट्रेलर के रिलीज के मौके पर पूनम ने उनके खास किरदार निभाने के बारे में कुछ बातें कही। उनमें उनका ये कहना था कि यह फिल्म एक हॉरर स्टोरी है। अपनी फिल्म के ट्रेलर रिलीज के मौके पर पूनम ने अपने किरदार से जुड़ी कुछ खास बातें बताई थी और उन्होंने ये कहा कि यह फिल्म एक हॉरर स्टोरी है जो दिल्ली के एक बिंदास बोल्ड जोड़े के इर्द गिर्द बुनी गई है। बता दे कि इस जोड़े की भूमिका में आपको पूनम और अमित दिखाई देंगे। वैसे तो पूनम ने इस फिल्म से जुड़ी कुछ खास बातों का खुलासा तो नहीं किया, लेकिन ये जरूर बताया कि उनकी ये फिल्म 24 सितंबर को रिलीज की जाएगी। इस फिल्म की ड्यूरेशन 22 मिनट की है, लेकिन आपको ये बता दे कि आप इस फिल्म को सब्सक्राइब करके ₹50 का भुगतान करने के बाद ही देख पाएंगे। और साथ ही इस बात की भी जानकारी दे दे कि ये फिल्म कोई पॉर्न फिल्म नहीं है, बस एक फीचर फिल्म है। लेकिन पूनम के फैंस इस फिल्म को एंजॉय जरूर करेंगे, क्योंकि जहां पूनम हो वहां हॉटनेस का तड़का लगना जरूरी है। नेक्स्ट 9 न्यूज से वीनी गुलाटी की रिपोर्ट।